अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई अपनी एक और क्रिकेट वीडियो के साथ, एक और क्रिकेट मैच के एनालिसिस के साथ आपके पास मौजूद हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर उसके बाद हमारी इस वीडियो को पूरा देखें। जैसा कि आज आप लोगों को पता है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का सीरीज़ का तीसरा T20 आई था और जो इंडिया को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर इंडिया यह मैच नहीं जीतता तो इंडिया ये मैच के साथ सीरीज भी हार जाता, क्योंकि पिछले दो मैच वेस्ट इंडीज़ जीत चुका है। अब जब इंडिया ये मैच जीत गया तो फिर क्या हुआ, सीरीज़ हो गई 2-1 से। अभी वेस्ट इंडीज़ आगे, लेकिन 5 मैच की सीरीज है तो 2 मैच अभी इसमें आगे मजीद होंगे, तो अभी 2-1 का यहाँ पे लेवल आ गया है सीरीज़ में। अब बात करते हैं भाई क्या था कैसे नहीं था, अब आपसे सारी बात शेयर करते हैं। तो भाई हुआ कुछ यूँ था कि टॉस हुआ और इंडिया ने कर ली है पहली बॉलिंग, यानी पहले इंडिया की आई बॉलिंग और वेस्ट इंडीज़ आई बैटिंग पे। जवाब में वेस्ट इंडीज़ ने शुरू में बहुत अच्छा खेला, यानी अच्छा नहीं, इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अच्छा खेला, यानी कुछ मतलब 7 ओवर में कुछ 55-60 के करीब रन थे और एक भी विकेट वेस्ट इंडीज़ की नहीं गई, यानी इतना अच्छा वेस्ट इंडीज़ ने जो है वो इस मैच में खेला। लेकिन फिर जब एक के बाद एक विकेट जाना शुरू हुई फिर वो जाती चली गई। पहली विकेट अक्षर पटेल ने ली और फिर उसके बाद ब्रैंडन किंग जो कि बहुत ज़बरदस्त खेल रहे थे, उसे कुलदीप यादव ने भी आउट कर दिया। बहरहाल अब ये इंडिया की टीम जो है उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, वो अभी रेस्ट पर हैं। अभी हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में इंडिया की टीम खेल रही है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बहुत अच्छा मतलब स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद फिर सीरीज डगमगाती रही, लेकिन फिर आखिर में फिर मतलब ना कहानी डगमगाती रही। फिर आखिर में फिर रोमन पॉवेल जो कि कैप्टन है वेस्ट इंडीज़ के, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली और फाइनली वेस्ट इंडीज़ ने 20 ओवर में 159 रन यानी 159 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छा 5 विकेट जो गई हैं इसमें 3 विकेट तो कुलदीप यादव ने ली थी, बाकी 2 विकेटें अलग अलग प्लेयर्स ने ली थी। अच्छा वो अलग अलग प्लेयर्स कौन थे, अक्षर पटेल ने एक ली और एक मुकेश शर्मा ने ली, ठीक मुकेश कुमार ने ली। अच्छा इंडिया को 160 का जो टारगेट मिला उसमें वेस्ट इंडीज़ ने जब 159 बनाए तो इनके हाईएस्ट स्कोरर रहे ब्रैंडन किंग। ब्रैंडन किंग ने बनाए 42 रन और बनाए भी 42 बॉलों पर, मतलब थोड़ा स्लो खेला, थोड़ा नहीं बहुत स्लो खेला, 100 के स्ट्राइक रेट पे आप खेल लो T20 में तो मतलब ये वाकई में काफ़ी कम है। लेकिन जवाब में जब इंडिया की टीम बैटिंग पे आई तो भाई शुरू में तो इंडिया की टीम फंस गई, क्योंकि शुभमन गिल जो कि इस वक्त जिस खिलाड़ी को इंडियन मीडिया काफ़ी मतलब प्रमोट कर रहा है और मतलब काफ़ी ज़्यादा उनका चर्चा हो रहा है और यहाँ तक कि विराट कोहली और बाबर आजम से कंपेयर हो रहा है, तो लेकिन वो अभी तक इस सीरीज़ में फ्लॉप रहे, जिनके बारे में बकायदा ये जो है ना वो बन चुकी है कि ये शुभमन गिल सिर्फ अहमदाबाद का प्लेयर है, बस ये चल रहा है, क्योंकि अभी तक उनको जितने मौके मिले वेस्ट इंडीज़ दौरे पे वो एक भी अवेल नहीं कर पाए, मतलब एक भी मैच में वो अच्छा नहीं कर पाए। बहरहाल सूर्य कुमार तो शुरू में ही आउट हो गए थे, उसके बाद फिर आए सूर्य कुमार बोल रहा हूँ मैं, शुभमन गिल आउट हो गए थे, फिर आए सूर्य कुमार यादव और सूर्य कुमार ने आज अंडर वो मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब इनिंग्स खेली है, स्काई जिनको कहा जाता है और 360 यानी एफ डी विलियर के बाद तो दूसरा 360 कहा जाता है कि वो हर तरफ लेट के उधर उधर होके शॉट मारता है। नो डाउट बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट कंसिस्टेंसी की कमी है, लेकिन आज वो कंसिस्टेंसी आई और आज बहुत अच्छा खेला। आज 23 बॉल पर पहले तो 50 करी खाली, कितने 23 बॉल पर 50 करी। फिर आज सूर्य कुमार यादव ने एक और टारगेट अचीव किया कि अपने इंटरनेशनल T20 या इंटरनेशनल कैरियर के 100 छक्के मुकम्मल कर दिए, 50वें मैच में 51वें मैच में 100 छक्के मुकम्मल कर दिए। और फिर सूर्य कुमार 83 रन उन्होंने बनाए और 44 बॉल्स में, यानी 83 रन सूर्य कुमार ने बनाए 44 बॉलों में और फिर वो आउट हो गए। लेकिन वो इतना अच्छा और इतना फास्ट खेल के चला गया था कि फिर इंडिया की टीम जो है वो लगभग फिर जीत पक्की हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर आखिर में तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा खेला, उन्होंने भी साथ साथ मतलब वो भी खेलते गए और उन्होंने भी मैच फिनिश किया, मतलब बहुत ज़बरदस्त गेम हुआ। फिर आखिर में जो इंडिया का कैप्टन है हार्दिक पांड्या, उन्होंने 6 लगा के मैच को ख़त्म कर दिया। सूर्य कुमार ने तो बहुत आउटस्टैंडिंग खेला ही खेला,
लेकिन वेस्ट इंडीज की तरफ से वो बॉलिंग नहीं हो सकी आज इंडिया, क्योंकि सूर्या कुमार ने जब बैटिंग स्टार्ट करी ना तो फिर वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स को समझ ही नहीं आया हमने कहाँ कैसे क्या बॉल करनी है। मतलब वो जहाँ बॉल करें वो वहीं से उठा के छक्का मार दे, वो जहाँ बॉल करें वो फिर वहीं से उठा के छक्का मार दे। जबकि शुरू में वेस्ट इंडीज़ ने 2 विकेटें जल्दी ले ली थी, गिल को भी आउट कर दिया था और यशस्वी जायसवाल जो आज उनका डेब्यू था उन्हें भी शुरू में 1-2 रन पे ही आउट कर दिया था। लेकिन उसके बाद सूर्या कुमार और तिलक वर्मा ने मैच को फिर काफ़ी एंड तक ले गए। फिर सूर्या कुमार के आउट होने के बाद क्योंकि वो ऑलरेडी 83 रन 44 रन बना लिए थे, इतना बड़ा डिफरेंस बचा नहीं था, तो फिर कैप्टन हार्दिक पांड्या आए और फिर उन्होंने मिलकर गेम ख़त्म कर दिया और हार्दिक पांड्या ने आखिरी बॉल पर छक्का मार के गेम को फिनिश कर दिया। बहरहाल लेकिन वेस्ट इंडीज़ की भी यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी कि एक तरफ ब्रेंडन किंग ने 42 बॉल में 42 बनाए जबकि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन ने 40 रन बनाए सिर्फ और सिर्फ 19 गेंदों पर। तो आउटस्टैंडिंग रहा मैच, लेकिन वो कहते हैं ना बस किसी एक ने जीतना होता है, कोई एक ही जीतेगा और ये मैच यकीनन वेस्ट इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी था जीतना, क्योंकि अब इंडिया के पास गलती की गुंजाइश नहीं है आगे मजीद दो मैच इंडिया को वो जीतने। अगर इंडिया एक भी मैच हारता है तो 2005 या 2006 के बाद गालिबन पहली दफ़ा होगा कि इंडिया वेस्ट इंडीज़ से कोई सीरीज़ हारेगा। वो काफ़ी टाइम से इंडिया वेस्ट इंडीज़ से कोई भी सीरीज़ नहीं हारा है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो या T20 आई हो, कुछ भी मतलब नहीं हारा है। तो बहरहाल इन शॉर्ट ये है कि आज इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया और बहुत अच्छा खेला, कोई कमी नहीं थी। लेकिन अच्छा सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि सूर्या कुमार का चलना इंडिया को काम आ गया और तिलक वर्मा तो वैसे भी अभी तक उनको 3 मौके मिले और तीनों मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उसके अलावा भी आप देखो तो इंडिया टीम अभी भी डिसबैलेंस है। तो बहरहाल अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। हो सके नहीं लाजमी बस चैनल सब्सक्राइब कर दिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Should be out, should be the end of Darcy Short.